दीपाली हियर, वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियो चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज मैं आपके साथ एक मेरी फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। डिफरेंट टेक्निक एंड यूनिक ऐसी ये रेसिपी है। ऑफकोर्स चॉकलेट की ही रेसिपी होने वाली है, बट बहुत ही आपको मज़ा आएगा देखने के लिए भी और करने के लिए भी। इस चॉकलेट की आप ऑर्डर्स भी ले सकते हो। नाम आप सभी ने ऑलरेडी थंबनेल से देख लिया है। आज हम करने वाले हैं क्लासिक सेंटरफील्ड चॉकलेट। जो कि बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही यूनिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस रेसिपी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्लास्टिक मोल्ड। उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास है डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड। आप कोई भी ब्रांड का कंपाउंड चॉकलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ना कैविटी बना के लेंगे। हमें डार्क चॉकलेट ऐड करना है टॉप तक पूरे मोल्ड में। इस तरीके से फुलफिल करना है इस मोल्ड को। ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना ही पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट टेक्निक से हम सेंटर फिलिंग कर रहे हैं। सो मार्केट में कहीं पे भी ये टेक्निक का यूज़ नहीं किया गया है, तो आपको बहुत इसका यूज़ होने वाला है। सो यहाँ पे इस तरीके से हम पूरा टॉप तक चॉकलेट फिल करके लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर और इस मोल्ड को टैप करेंगे एंड जो भी एक्सेस चॉकलेट है, एक्स्ट्रा चॉकलेट है, उसे अपसाइड डाउन करके निकाल लेंगे। बटर पेपर इसलिए बिकॉज हमारा चॉकलेट जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ये पूरा इस तरीके से हमें क्लीन एंड प्रॉपर करके लेना है एंड इस मोल्ड को हम रखेंगे एक 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में। तो यहाँ पे ये मोल्ड सेट हो चुका है एंड अभी हमें इसे डीमोल्ड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट को पाइपिंग बैग में फिल करके लिया है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने जो सेंटर फिलिंग ली हुई है, ये है बिस्कॉफ की फिलिंग। बिस्कॉफ जो बिस्किट आता है उसकी स्प्रेड जो होता है वो मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में लिया है। यू कैन यूज़ एनी गनाश और एनी फिलिंग लाइक नटेला, या फिर आपको अगर कोई जैम पसंद है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा प्रिपरेशन हो गया है। सबसे फर्स्ट हम अभी क्या करेंगे, मैंने इस पाइपिंग बैग को एकदम हल्का सा कट किया है एंड यहाँ पे हम वाइट चॉकलेट इवन स्प्रेड करके लेंगे लाइक दिस। बहुत ही कम क्वांटिटी ऐड करनी है और इवन उसको स्प्रेड करके लेना है। इसे हल्का सा टैप करके इसे रखेंगे 5 मिनट्स के लिए इन फ्रिज। यहाँ पे वाइट चॉकलेट जो है सेट हो चुका है एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बिस्कॉफ वाला स्प्रेड। सो यहाँ पे इसे भी मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया है और बहुत फाइन कट दिया है, तो इसकी भी एक लेयर हमें इसके ऊपर ऐड करनी है। इसे हम करेंगे अब टैप, हल्का सा टैप करना है, परफेक्ट। एंड इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर जाएगा डार्क चॉकलेट का। एंड इसे करेंगे फिर से हम टैप, ओके, एंड इसे रखेंगे हम 5 मिनट्स के लिए इन फ्रिज। तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट की लेयर जो है वो सेट हो चुकी है एंड इसके ऊपर जो लास्ट लेयर जाएगी वो है मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिल्क चॉकलेट। ये टॉप तक हमें फिल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है फिल टॉप तक। एंड मिल्क चॉकलेट फिल करने के बाद यहाँ पे आता है डेकोरेशन पार्ट। तो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं कुछ फ्रेंच बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर सकते हो या फिर एनीथिंग लाइक आपके पास अगर डेकोरेशन वाले वो जो एडिबल स्प्रिंकलर्स आते हैं वो भी आप अगर यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ये टॉप तक हमें फिल नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है। डार्क चॉकलेट का जो साइड्स है वो दिख के आना चाहिए। ये मैं सिर्फ साइड्स में डाल रही हूँ, आपको अगर पूरा कवर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड इसे हम रखेंगे एक 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में। तो ये मोल्ड जो है वो सेट हो चुका है एंड इसे करेंगे हम डीमोल्ड। तो यहाँ पे हमारे क्लासिक सेंटरफील्ड चॉकलेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, बट इसे मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। सो ये थे हमारे क्लासिक सेंटरफील्ड चॉकलेट। सी द लेयर, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के लेयर एंड चॉकलेट के साथ हमने काम किया है। मीन्स चॉकलेट का सपोर्ट लेना पड़ता है, लेयर बाय लेयर नहीं काम कर सकते इसलिए। बट अगर आपको ऐसे ही मास्टर स्किल्स सीखने हैं चॉकलेट में, बहुत डिफरेंट टेक्निक सीखने हैं, तो उसके लिए आपको ना हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन 9819219992 पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके भी कोर्स डिटेल्स चेक कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.wowcookstudio.com। हमारे मास्टर क्लासेस होते हैं चॉकलेट में, हमने बहुत इनोवेशन किया हुआ है और ये सारे क्लासेस ना हम बिजनेस ओरिएंटेड ही रखते हैं, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। सो आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी रहेगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप क्या वेरिएशंस करने वाले हो, क्या इनोवेशन करने वाले हो, और ऐसे ही नए रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।